हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोटल इंसिडेंट रेट के ऊपर कि किसी भी प्लांट में जो हम काम करते हैं तो जो है इंसिडेंट होता है, जो रिपोर्टेबल इंसिडेंट होता है, उसका रेट कैसे निकालते हैं कि जो हमारे यहाँ इंसिडेंट हो रहा है उसका क्या रेट है, उसको कैसे निकाला जाएगा, आज उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। आज हम आपको बताएंगे कि टोटल इंसिडेंट रेट कैसे निकाला जाता है, उसके निकालने के फार्मूले क्या हैं और एग्जाम्पल के साथ भी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टोटल इंसिडेंट रेट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ इंसिडेंट इनटू 2 लैक्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ टोटल कितना इंसिडेंट हो रहा है वो नंबर्स यहाँ रखेंगे, 2 लैक्स मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड करेंगे जिस दौरान वो एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके अंदर टोटल वर्किंग आवर्स क्या है हमारे इंडस्ट्रीज का। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कि आपके यहाँ टोटल जो मेन पावर है वो 200 है, यानी 200 लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं और आपके यहाँ जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है वो 2 इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। टोटल वर्किंग डे है जो वो आपका 3 मंथ है, मतलब कि 90 दिन, यानी 90 दिन के अंदर 200 लोगों ने काम किया और 2 इंसिडेंट हुआ, तो उस इंसिडेंट रेट क्या है, क्या है, कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल वर्किंग आवर्स। देखिए, वर्किंग आवर्स निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है मेन पावर गुणे वर्किंग आवर्स गुणे वर्किंग डेज। तो आपके यहाँ जो टोटल वर्किंग मेन पावर है वो 200 है, यानी 200 है, पर डे जो काम हो रहा है वो 8 घंटा हो रहा है और कितने दिन तक हुआ है, 90 दिन तक। तो आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे 200 × 8 × 90, तो आपका आएगा 1,44,000, यानी 90 दिन के अंदर जो आपका वर्किंग आवर है वो 1,44,000 है। अब इंसिडेंट हुआ है दो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, तो इंसिडेंट रेट क्या है वो आइए देखते हैं। तो टोटल इंसिडेंट रेट, यानी जो ये फार्मूला है नंबर ऑफ इंसिडेंट इंटू 2 लैक्स डिवाइडेड बाई वर्किंग आवर, तो इंसिडेंट रेट क्या है, आपका टोटल इंसिडेंट कितना रिपोर्ट हुआ है, 2 रख दिए, इंटू 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 1,44,000, तो आपका इंसिडेंट रेट आ गया 2.77, यानी 2.77, ये आपका इंसिडेंट रेट है। अगर 3 महीने तक काम चला, 200 लोगों ने काम किया और 2 एक्सीडेंट हुआ या इंसिडेंट हुआ जो रिपोर्ट हुआ है, तो रिपोर्टेबल इंसिडेंट जो है वो 2 है, तो उसका जो इंसिडेंट रेट आएगा वो आएगा 2.77। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि आपके यहाँ 300 लोग काम कर रहे हैं और टोटल वर्किंग डे जो है वो 365 दिन है, यानी 1 साल तक काम किए और 1 साल के अंदर जो टोटल इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ वो 8 हुआ, मतलब 300 लोग 1 साल तक काम किए और इस बीच में 8 इंसिडेंट हुआ जो रिपोर्ट हुआ, यानी रिपोर्टेबल इंसिडेंट 8 हुआ। इसको एक बार निकाल के देखते हैं इसका इंसिडेंट रेट क्या है। तो वर्किंग आवर निकालेंगे, तो वर्किंग आवर निकालने का वही फार्मूला होता है नंबर ऑफ मैन पावर गुणे वर्किंग आवर इंटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज। कितने लोग हैं, 300 इंटू 8 आवर इंटू 365 डेज, यानी 300 लोग काम किए 365 दिन, पर डे काम कितना कर रहे हैं, 8 घंटे, तो टोटल वर्किंग आवर आ जाएगा कितना, 8,76,000, 8,76,000। अब इसका इंसिडेंट रेट निकालते हैं, टोटल इंसिडेंट रेट, इंसिडेंट कितना हुआ है, 8 इंटू 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 8,77,000, इसका रेट क्या आ गया, 0.45। यानी अगर आप देखते हैं कि एक इंडस्ट्रीज है जिसमें मेन पावर 200 था, 3 महीने के अंदर 2 एक्सीडेंट हो गया, उसका रेट जो था वो ज़्यादा है, और यहाँ एक दूसरी इंडस्ट्रीज है जो 1 साल तक काम करती है और 300 मेन पावर काम कर रहे हैं, उसके यहाँ 8 इंसिडेंट होता है, उसका इंसिडेंट रेट क्या है, 0.45 है, मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है ये सेफ है एज़ कम्पेयर टू इसके, इसका इंसिडेंट रेट ज़्यादा है, यानी यहाँ सेफ्टी में ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ इंसिडेंट रेट ज़्यादा आ रहा है और यहाँ एक्सेप्टेबल है, 0.45 है तो ये एक्सेप्टेबल है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, जैसे हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंसिडेंट रेट जारी करता है इंडस्ट्रीज़ का, तो उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे कंपनी का, दूसरे इंडस्ट्रीज़ का हम इंसिडेंट रेट उठा के अपने कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा इंसिडेंट रेट क्या है, उससे ज़्यादा है या उससे कम है, यदि उससे कम है तो ठीक है, उससे ज़्यादा है तो हमें और भी सेफ्टी रूल या सेफ्टी नॉर्म्स को हमें चेंज करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे यहाँ इंसिडेंट रेट
ज़्यादा है, तो इस तरह से हम अपना इंसिडेंट निकालते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।